my dear students आजकल एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन मुझे बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें ना बहुत प्रोक्रास्टिनेशन होता है प्रो मतलब हम सोचते हैं आज नहीं पढ़ते कल से शुरू कर देंगे कल नहीं पढ़ते नेक्स्ट वीक से एग्जाम ख़त्म हो जाए फिर पढ़ाई शुरू कर देंगे समर ब्रेक के बाद शुरू कर देंगे वीकेंड पर घूम आते हैं फिर पढ़ेंगे सो दिस इज़ प्रो वेयर यू आर डीलेंग योर प्रेपरेशन राइट जो कि बहुत ही हार्मफुल है स्पेशली बिकॉज यू हैव गॉट द एग्जाम एनी टाइम इन अनदर सिक्स सेवन मंथ्स तो हमें तो बहुत बहुत ही यू नो इम्पॉर्टेंट है ये इंश्योर करना कि हम अपना एक मिनट भी वेस्ट ना करें तो क्या करना है हाउ कैन वी अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन दैट्स वट वी आर टॉकिंग अबाउट टू तो जो पहला इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि आप अचीवेबल गोल्स रखो मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगी मैं इंग्लिश भी पढ़ लूंगी मैं जी भी पढ़ लूँगी मैं स्कूल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ लूंगी और मैं ट्यूशन भी जाया हूँ मैं सब कुछ कर लूंगी तो फिर ऑफकोर्स आप डिले करोगे आपको लगेगा मैंने तीन काम तो कर ली चार नहीं हुए तो लेटेड भी राइट क्योंकि

अपने प्लान में चार ही गोल्स रखोगे और जब आप अचीव करोगे तो आपको फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है यू टू गो फर्दर राइट तो जब भी भी अपने गोल सेट करें फॉर द डे इंश्योर दैट दे आर डूएबल दे आर अचीवेबल कोई भी अनरियलिस्टिक गोल मत सेट करो नहीं तो थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड राइट right? दूसरा क्या इंपॉर्टेंट सजेशन है कि भाई ऑर्गेनाइज करो और प्लान करो राइट ऐसे रैंडमली आपने सोचा आज मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है कहाँ से करना है किधर से करना है और आपने आधा घंटा तो पैसेजेस को ढूंढने में ही लगा दिया तो फिर आप कब तो अटैम्प्ट करोगे कब एनालिसिस करोगे तो ऑलवेज इंश्योर देट यू हैव अ प्लानर रेडी एंड दैट इज द रीजन वी ऑलवेज इट्स अ वाइज थिंग टू प्लान योर डे बिफोर हैंड राइट सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर गुड विद योर प्लानिंग एंड हियर यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मेन्ट ऑल्सो इफ नीडड राइट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सजेशन है कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप सिंसियर हो गए हो तो आपको अपना नेट टाइम आपका जहाँ भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो उसको ड्रास्टिकली कट डाउन कर देना है जब आप अपने स्टडी रूम में पहुँचे हो तब आपको अपना फ़ोन नहीं लेकर आना यू पुट एन अलार्म क्लॉक राइट अगर आपको टाइम देखना है वॉल क्लॉक रख लीजिए पर क्या होता है कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आया आपने कहा चलो मैं ये व्हाट्सएप पर मेरे फ्रेंड ने मुझे पिंक करा है मैं फटाफट इससे क्विक सी चैट कर लेती हूँ वो फ़टाफट से क्विक सी चैट को आपके सात आठ दस मिनट लग जाते हैं या कभी आधा घंटा लग जाता है या कोई प्लान बन जाता है या आप इंस्टाग्राम पे रील देखने लग गए तो आप उसी में फंस जाते हो राइट सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन वट एवर टाइम यू द स्टडीज स्ट्रिक्टली डोंट कीप द फोन्स नियर यू एंड यू नो ट्राई मीन आपको लग रहा है कि आपको बार बार भूख लगती है तो आप मखाने का डब्बा रख लो अपने साथ में यू शुड ईट हेल्दी वाटर बॉटल रख लो अपने साथ में एक छोटा सा वॉल क्लॉक रख लो वॉच पहन लो या फिर यू नो फाइंड आउट द वे सो दैट योर डिपेंडेंसी ऑन फोन गोज अवे एंड यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड राइट प्लीज डू दैट अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है वो बार बार आपके रूम में आता है सो यू कैन लॉक द रूम लाच द रूम सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज मेजर्स क्योंकि कई बार हम बहुत मोमेंटम में होते हैं और डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो फिर वो पेस हम खो देते हैं सो दैट शुड नॉट हैपन राइट उसके बाद हमको क्या करना है कि आप जब पढ़ाई करो तब पढ़ाई करो वेन यू आर मोस्ट एक्टिव जैसे मैं सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर सकती मैं आई फील वेरी लेथार्जिक आई फील लेजी राइट बट मैं रात को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर सकती हूँ अगर आपके साथ भी ऐसा है तो मेक मोस्ट ऑफ द टाइम वेयर यू आर रियली रियली एक्टिव देन यू विल सी द रिजल्ट कमिंग टू यू राइट अगर आप स्कूल से आ रहे हो और आप बहुत टायर्ड हो और आप पढ़ने बैठ गए एक्यूरेसी नहीं आएगी फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर वही कि छोड़ यार बाद में कर लेंगे एंड दैट्स वॉट वी आर प्लानिंग टू अवॉइड राइट सो वर्क हार्ड वैन यू आर मोस्ट एक्टिव राइट